समय समय पर आए परिवर्तन के लिए सूरज जिम्मेदार होता है। उसकी गर्म और तेज रोशनी पूरी दुनिया में जहां करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती है, वहीं संसाधनों पर आए भारी संकट की कमी को दूर करने के लिए भी एक वैकल्पिक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा के रूप में यह वैकल्पिक ऊर्जा कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ICAR एवं NHIDF नई दिल्ली द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र उजवा द्वारा 30 अगस्त 2017 को आयोजित कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि के दौरान केवी के उजवा परिसर में सोलर फार्म प्रदर्शन इकाई निर्माण हेतु संज्ञान लिया गया। 19 अक्टूबर 2020 को इस सोलर फार्म प्रदर्शन इकाई की आधारशिला गणमान्य अतिथि श्रीमती मनीषा सक्सेना, तत्कालीन सचिव दिल्ली सरकार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड तथा डॉक्टर नवीन अग्रवाल, तत्कालीन जिलाधिकारी एवं सह आयुक्त दक्षिण पश्चिम दिल्ली तथा डॉक्टर बीजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नेफेड एवं NHIDF की गरिमामय उपस्थिति में रखी गई। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड एवं नाबार्ड की वित्तीय सहायता द्वारा इस सोलर फार्म का कार्य फरवरी 2021 में पूरा हो गया। 12 फरवरी 2021 को इस सोलर पैनल को मुंबई सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई राजधानी लिमिटेड अर्थात PSES दिल्ली के पावर ग्रिड से जोड़कर बिजली वितरण का कार्य भी शुरू हो गया, जिसकी क्षमता 110 किलोवाट बिजली उत्पादन की है। वर्तमान में इसका वितरण बिजली पावर ग्रिड के माध्यम से नेफेड, NHIDF एवं केवीके को वितरित किया जाता है। सोलर प्रदर्शन फार्म में पैनल की स्थापना 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की गई है, जिसमें मौसम के अनुसार 11000 से 14000 यूनिट तक का औसत उत्पादन हो रहा है। कृषि वोल्टाइक प्रणाली के तहत एक एकड़ भूमि पर अलग अलग मॉडल की 80% क्षेत्र में सब्जियों एवं फूलों की खेती की जा रही है। इस प्रकार सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ भिंडी, टमाटर, बैंगन, लोबिया और प्याज की चुनिंदा फसलें उगाई जा रही हैं। इन फसलों की सिंचाई के लिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के साथ साथ प्लास्टिक आच्छादित क्यारियां बनाकर अलग अलग कृषि कार्य किए जा रहे हैं। केवीके दिल्ली ने सौर कृषि प्रदर्शन इकाई के पैनल से आय उत्पन्न करने के लिए 3-टायर फसल प्रणाली विकसित की है। टायर फसल प्रणाली में कुकुरबिटेसी फसलें, लौकी, तोरई, करेला के साथ धनिया, टमाटर, बैंगन, मेथी आदि फसलें लगाई गई हैं। यह सभी फसलें कृषि वोल्टाइक प्रणाली के लिए सबसे कारगर सिद्ध हो रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा की यह कृषि वोल्टाइक प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध होने से किसानों को न सिर्फ स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन उपलब्ध होने लगा है, बल्कि किसानों को कृषि भूमि में सौर संयंत्र स्थापित करके उनकी प्रति इकाई उत्पादन में बढ़ोतरी भी हुई है। इसके अलावा कृषि कार्यों एवं उत्पादों पर लगने वाले अतिरिक्त व्यय में भी कमी आई है। सौर फार्म प्रदर्शन इकाई उजवा दिल्ली के हरित क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि किसान इस मॉडल इकाई को देखकर फसल व सब्जी उत्पादन के अलावा मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन जैसे अन्य व्यवसाय भी अपना सकते हैं। आम भारतीय किसान भी कृषि वोल्टाइक प्रणाली को अपनाकर न सिर्फ दुगुनी आय प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को भी कम कर सकेंगे, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेंगी।